हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास, आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्साला का एक नया वीडियो में। सर, आज का ये वीडियो में आपको थंबनेल या फिर टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि जो बोट निर्वाणा का एक TWS ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है, उसको अनबॉक्सिंग मतलब टेक्साला स्टाइल में क्विक अनबॉक्सिंग एंड इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूं। सो वीडियो को टिल एंड देखिए और आप भी पता लगाइए कि ये मतलब जो प्रोडक्ट है कैसा है, एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कैसा लग रहा है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं, सो प्लीज हमारा फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको टेक रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो फ्यूचर अपडेट आएगा मतलब हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाएगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो ईयरफोन है अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस टाइप का जो वायरलेस TWS है, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। सो एयरपोर्ट्स जो एप्पल का एयरपोर्ट्स है उसको बेसिकली सब कोई फॉलो कर रहे हैं। सो रिसेंटली हम लोग का अगर रियलमी का एयरपोर्ट नहीं देखे और जो कि एग्जैक्टली कॉपी कैट ऑफ जो एयरपोर्ट है, सो यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ वो वाला चेक कर लीजिए वीडियो। एंड यहाँ पर जो है बोट निर्वाणा एयरडॉप्स 291 है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि बोट जो है, फिलहाल मैं बोट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि रिसेंटली मतलब अराउंड लास्ट वन ईयर बोट जो ब्रांड है उस पर जो फ्लिपकार्ट का ओनर है, फ्लिपकार्ट बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहा है बोट को रीब्रांडिंग करने के लिए और बोट को इंडिया में ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। जी हाँ, सो रिसेंटली जो बोट का न्यू लोगो है आप देख सकते हैं कि ये बोट रिसेंटली न्यू लोगो लॉन्च किया है, क्योंकि पहले उसका जो लोगो था सिंपली उसका बोट जो नाम है वही लोगो था, ठीक है। सो अभी देख देते हैं कि पैकिंग के अंदर क्या मिलता है। देख लेते हैं कि पहले जो ओवर मतलब फिजिकल ओवरव्यू कैसा है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है मैं बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी मतलब ये प्लास्टिक है एंड वो भी इतना लाइट वेट है कि मुझे प्रीमियम लुक लग रहा है। स्क्रैच रेजिस्टेंस है मतलब स्क्रैच भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ऊपर में एक बोट का न्यू लोगो और बैक साइड में आपको मिलेगा कि एक टाइप सी। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जिंग जो अडेप्टर लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइप सी ही है और मैं मेरे फोन के चार्जर के साथ इसको चार्ज कर पाऊंगा। और नीचे की तरफ से आपको मिल जाएगा कि बोट का जो मतलब कुछ लोगो एंड चार्जिंग स्टैंड बैटरी और जो उसका एमएच है, कितना एमएच, 420mAh का बैटरी है। और ये जो 420mAh है ये है जो ये केस है इसका बैकअप है, मतलब जो पावर है टोटल 420mAh का बैटरी रख सकता है। और जो इनपुट है टोटल 5 वोल्ट का मतलब 5 वाट का ही इनपुट लेगा, ठीक है। और उसको आप ऐसे ओपन करने के बाद आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह लेफ्ट एंड राइट डोप्स। जब आप ओपन करोगे तो तुरंत ही आपका जो कनेक्टेड स्मार्टफोन के साथ वो ओपन करते ही वो कनेक्ट हो जाता है। एंड कनेक्ट होने के बाद इसमें जो फैसिलिटी है मतलब जो फीचर्स है, मैंने देखा कि रियलमी जो एयरडॉप्स था उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ ऑलमोस्ट सारा फीचर्स है कर रहे हो तो ये काफ़ी लाइट वेट है। और जो उसका साउंड क्वालिटी है, मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि बोट का तो मतलब उतना हाई लेवल साउंड क्वालिटी नहीं है, मतलब आप अगर एक साउंड फ्रीक हो मतलब आपको मतलब काफ़ी बैलेंस्ड वे में आपको जो बेस एंड टेरिबल चाहिए तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट एज अ लेमैन स्टैंडर्ड यूजर तो आपको ये साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि प्राइस सेगमेंट से हिसाब से जो साउंड क्वालिटी है काफी अच्छा है। सो आप तो 2,000 या 3,000 देख के आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि 15,000 का ईयरफोन के साथ। सो बेसिकली हाँ, बट ये प्राइस रेंज में जो साउंड क्वालिटी मिल रहा है वो काफी बेटर है। और जो आपको फीचर मिल रहा है कि एक है कि अगर आप ऐसे पुट कर देते हो कान पे और प्ले करने के लिए सिंगल टैप में आपका जो म्यूजिक है वो प्ले एंड पॉज होता है, डबल टैप पे आपका अगर राइट साइड में आप डबल टैप कर रहे हो तो जो नेक्स्ट म्यूजिक है वो प्ले हो जाता है, अगर लेफ्ट साइड में आप डबल टैप कर रहे हो तो प्रीवियस ट्रैक प्ले होता है। एंड आप फोन कॉल अगर आ रहा है रिसीव या डिस्कनेक्ट करने के लिए आप सिंगल टैप करोगे तो फोन रिसीव होगा या फिर डिस्कनेक्ट होगा। ऊपर से मैं सबसे मेन बात जो है कि TWS में कि जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है या नहीं है, सो मैंने टेस्ट किया जो कि एक क्राउडेड प्लेस में जाके, सो बेसिकली थोड़ा सा मतलब रिड्यूस कर रहा है नॉइज जो कि बैकग्राउंड नॉइज है, बट समहाउ एडजस्टेबल। बट रियलमी का जो एयरपॉड है उसके हिसाब से उतना भी बैकग्राउंड नॉइज वो रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट मैनेजेबल चलेगा। और जो उसके साथ है ये IPX5 रेटिंग है, सो दैट कि आपको ये वाटर रेजिस्टेंट एंड स्वेट रेजिस्टेंट मिल जाएगा। सो आप आराम से मतलब इसको भिगा सकते हैं या फिर अगर भीग रहा है कोई पानी में या फिर बारिश में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कि जो सबसे मेन फैक्टर है ये सब ट्रूली वायरलेस का जो है कि चार्जिंग बैकअप, बैटरी बैकअप। सो बेसिकली ये तो टाइप सी में चार्ज होता है। सो और यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में आपको मिल जाएगा 4 LED इंडिकेटर जो कि मतलब 25, 50, 75 एंड 100% का मार्क दिखाता है। एंड ये जो केस
से आपको 420 mAh का मतलब उसका कैपेसिटी है, 420 mAh का बैटरी कैपेसिटी है और चार्ज होने के लिए 1.5 टू 2 आवर तक लेता है। और उसके बाद अगर आप ये एयरडॉप्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस टाइम अगर आप इसमें रखते रहे हो तो फिर ये अपने कैसे ही चार्ज होने लग जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये एक बार फुल चार्ज होने के बाद आपको अराउंड ऑन पेपर है कि 3 to 4 आवर आपको चार्जिंग बैकअप मिलेगा, बट मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया 2.5 से 3 आवर तक जाना है। 3 आवर के बाद ये जब चार्ज खत्म हो जाता है फिर दोबारा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, फिर सेकंड टाइम ये जो केस है उसको चार्ज कर देगा। सो ऐसे कितना बार करेगा, ऑन पेपर दिया हुआ है कि 3 to 4 टाइम्स ये चार्ज करेगा, चार बार इसको चार्ज करेगा, यानी 11 to 12 आवर इसको चार्ज करेगा। सो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है एंड ये जो ट्रूली वायरलेस एयरडॉप्स या फिर एयरफोन्स का मतलब मार्केट बढ़ता जा रहा है, सो नो डाउट ये 2021 एंड 22 में पूरा मार्केट लेने वाला है ये टाइप का टेक्नोलॉजी। सो बट मेरा एक डाउट है कि जैसे कि लिथियम आयन का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फंक्शनैलिटी है, सो जो फंक्शनैलिटी है उस हिसाब से अगर आप प्रॉपरली चार्ज नहीं कर रहे हो या फिर ओवरचार्ज हो रहा है या फिर मतलब रेगुलरली फ्रिक्वेंटली चार्ज हो रहा है बिफोर डिस्चार्जिंग, सो उस लेवल पे जो लिथियम आयन है उसका बैटरी लाइफ बहुत डिक्रीज होता है। सो अगर वो टेक्नोलॉजी के मैं मानते चलूँ तो फिर ये जो बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ स्पैन है, वो कितना दिन चलेगा वो तो पता नहीं लग रहा है कि जो लिथियम आयन का जो वो टेक्नोलॉजी का जो है कि टर्म्स एंड कंडीशन कि इतना टाइम ओवरचार्ज नहीं होगा या फिर एक बार फुल्ली डिस्चार्ज होना चाहिए। सो बेसिकली ये तो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि एक यूज़र कभी भी निकाल सकता है, कभी भी पुट कर सकता है, तो फिर वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्यूसली होता रहेगा। सो उस हिसाब से तो फिर इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत जल्दी खत्म होने वाला हो जाएगा। सो देखते हैं प्रैक्टिकल यूज़ करके कैसा हो रहा है। सो बेसिकली इसका जो प्राइस है 2500 का है, अमेजन पे आपको मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। और साउंड क्वालिटी के हिसाब से, बैटरी क्वालिटी एंड जो फंक्शनैलिटी है वो सब मामले में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। सो मेरे तरफ से 5 out of 4 stars मिल रहा है इसको। और बस यही था हमारा वीडियो में। सो अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड शेयर कीजिए एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव एंड पीस फ्रॉम टेक्साला।